हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो इससे पहले भी मैंने एक जो 11 का मतलब 10 10 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो कराया था। इससे जो पहले वीडियो था ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का मतलब कंबाइन है 11 सितंबर का। तो इससे पहले भी अच्छा है। तो जो इस तरह के प्रश्न बने थे, अंगूर का उत्पादक राज्य या खारे पानी की झील कौन सी है, ब्लैक खान मतलब किससे रिलेटेड हैं, और जो भारतीय मतलब किस भारतीयों को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, फ्रांस से क्या लिया गया है, और जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वह कहाँ है, और जो शांकेन का पर्व कहाँ है। तो ये जो शांकेन है ये वाला जो प्रश्न है ये मतलब हर मतलब जो एक फेस्टिवल किसी राज्य से पूछा जा रहा है हर बार पूछा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, और जो टोटल नंबर ऑफ द हाई कोर्ट कहते हैं, मनु भाकर को कौन सा पदक मिला, और एक दुनिया की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है। तो इस तरह के ये प्रश्न पूछे गए। तो जो पहला हमारा प्रश्न है वो है फ्रांस से लिया गया है। तो जो फ्रांस से क्या लिया गया मतलब क्या जो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी है और इक्विटी है और फ्रेटर्निटी है, तो ये तीन जो शब्द हैं जो प्रियम्बल में आते हैं, ये कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से। और मतलब एक रिपब्लिक भी, फ्रांस से लिया गया है। तो ये जो हैं ये तीनों सारी चीजें हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं, लिबर्टी इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न था, तो देखिए इसीलिए मैंने इसके मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है शांकेन कहाँ का पर्व है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। आगे मैंने जितने भी स्टेट हैं उन सबके मैंने जो पर्व हैं वो रखे हैं। जो शांकेन है ये अरुणाचल प्रदेश का है। 3 दिवसीय बौद्ध त्योहार है ये। और जो जनजाति हैं खमती सिंगफोस तांगसा, तो ये इन तीनों जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो आपको यहाँ एक और अच्छा पॉइंट मिल गया कि खम्बाती सिंगफोस और तांगसा जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से भी एक प्रश्न बन सकता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश के पर्व हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के पर्व हैं वो ये हैं, ड्री है, लोशर है, लोक है, मोपिन है, न्यू कुम है, रह है, सी डोनी है, सोलुंग है, शंकेन है, ओरिया है, ओजियाले भी बोलते हैं, बूरी बूट युल्लो भी बोलते हैं, चिदांग है, और नेथ्रेडो है, और मोहमोल है। तो ये सारे जो हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोपिन किस राज्य का पर्व है। तो जैसे सांकेन पूछा गया है मोपिन भी पूछा जा सकता है कि खम्मित किस राज्य की जनजाति है, सिंगफोस किस राज्य की जनजाति है। तो जो अगला हमारा प्रश्न था वो है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो जो हरित क्रांति के जनक हैं वो है M.S. स्वामी स्वामीनाथन। तो ये हरित क्रांति के जनक हैं। और छठ पूजा किस राज्य में होती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये बिहार में होती है। छठ पूजा कहाँ होती है, बिहार में। बिहार में बहुत मान्यता है छठ पूजा की। तो जो अब देखिए मैंने जितने भी राज्यों से रिलेटेड त्योहार हैं वो रखे हैं। थोड़ा आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट लगेगा, आप किसी के बोलने से जल्दी याद रहता है, और फिर आप रिवाइज करेंगे तो और जल्दी संभावना है। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न आपका पक्का है, क्योंकि हर शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। और जैसे आंध्र प्रदेश का जो त्योहार है वो है दशहरा, उगादि है, दक्कन महोत्सव है, और ब्रह्मोत्सव है। और जो अरुणाचल प्रदेश का है, रेह है, बूरी बूट है, मायको है, ड्री है, पोंगुट है। तो हमने पोंगुट है, लोशर है, मूरंग है, शोलांग है, मोपिन है, मोनपा है। तो ये हैं असम के जो हैं अम्बुवाची है,
भोगाली बिहू है, बैसागु है, देहिंग पटकाई है, बिहार के देखिए छठ पूजा है, विहुला है, छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा है, बस्तर दशहरा है, गोवा का सन वन उत्सव है। तो ये पूछा जाता है सन वन कि किस राज्य का उत्सव है, लादेन है, मांडो है, गुजरात का नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण है, हिमाचल का राख दुमनी है, गोची महोत्सव है, हरियाणा का है वैशाखी, और जम्मू कश्मीर का हर नवमी, छड़ी, बहु मेला, दोस मोचे है। अब जो अगला हमारा है वो है झारखंड का। तो झारखंड का करम उत्सव है, होली है, रोहड़ी है, टूसू है, और कर्नाटक का मैसूर दशहरा है, उगादी है, केरल का ओणम है और विशु है, मध्य प्रदेश का लोक रंग उत्सव है, तेजाजी है, खुजराहो उत्सव है, मेघालय का नोंगक्रेम है, खासी त्योहार है, वांगला है, सजावू है, और महाराष्ट्र का गणेश उत्सव है, ये अभी मनाया गया था। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, गुड़ी पूड़वा है, और मणिपुर का या याओ शांग है, पोराग है, चावंग कुट है, मिजोरम का चपरा कुट है, महोत्सव है, नागालैंड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हॉर्नबिल, मुआत्सु, तो ये हैं। उड़ीसा का रथ यात्रा है, राजा परवा है, नुक्का हाई है, पंजाब का लोहड़ी है, बैसाखी है, राजस्थान का गणगौर है, तो ये गणगौर इम्पोर्टेंट है, सिक्किम का लोसार है, शागा है, और ये चार पांच और हैं। तो जो तमिलनाडु का है, पोंगल है, थाई पुषम है, नाट्यांजलि है, और तेलंगाना का बोनालू है, बाथुम बाथुम कम्मा है, त्रिपुरा का खर्ची पूजा है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है, उत्तरांचल का गंगा दशहरा है, और उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का रामनवमी है, गंगा महोत्सव है, नवरात्रि है, और खिचड़ी है। तो ये यूपी के हैं। तो जो खिचड़ी पूछा जा सकता है, मतलब इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि मतलब किसी ने इस तरह का एस्पेक्ट नहीं किया हो। तो जो अगला हमारा प्रश्न था वो था, किस भारतीय को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो जो नोबेल पुरस्कार था वो मिला था रविंद्र नाथ टैगोर जी को, टैगोर, तो 1913 में मिला था, और किस में मिला था? साहित्य में। साहित्य में मिला था इनको, साहित्य में, कौन, किसके लिए? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए इनको मिला था ये। और अंगूर का उत्पादक, मतलब सबसे अधिक अंगूर किस राज्य में है, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है हमारा महाराष्ट्र, 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 और जो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये फर्स्ट तो पूछ लिया गया, अगर मान लो आपसे सेकंड पूछ ले तो वो कर्नाटका है, कर्नाटक, सेकंड जो पोजीशन पे है वो है कर्नाटक, सेकंड पोजीशन पे। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो ये पूछा था भारत में, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है? तो ये है कौन सी और कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, और इसका जो नाम है वो है चिल्का, चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील। और जो विलायत खान है वो किससे संबंधित है? तो ये मतलब संबंधित हैं उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है इस तरह का। तो ये सितार वादक हैं, सितार वादक हैं, ये जो विलायत खान है ये सितार वादक हैं, और एक मतलब आंदोलन से, वंश से रिलेटेड, मतलब कौन सा वंश किस वंश से रिलेटेड था उससे आगे मैं बताऊंगा आपको। और एक पार्लियामेंट से प्रश्न था, उसका मतलब
मुझे पता नहीं है कौन सा प्रश्न था कि पार्लियामेंट किस अभी जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन, तो उस तरह से कोई प्रश्न था। तो संसद से एक प्रश्न था, मेन ये है, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपको ये मतलब बताना क्या है, तो पार्लियामेंट से एक प्रश्न था, तो आप इस तरह से याद रखें। और जो मतलब दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजोन, अमेजन रिवर। तो ये है। तो अगला हमारा जो प्रश्न था वो था नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो है इम्फाल में, मणिपुर। तो कहाँ ये? इम्फाल मणिपुर में। और ये भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना से एक प्रश्न था, तो ये आपको कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि भारतीय हॉकी महासभा की स्थापना कब हुई। तो अब हमारा ये था कि बुक से एक प्रश्न आ ही रहा है, हर शिफ्ट में ये आ ही रहा है कि मतलब कौन सी बुक किसने लिखी। इससे पहले वाली शिफ्ट थी उसमें आया था एक नील दर्पण, नील दर्पण बुक किसने लिखी थी? तो ये थी दीन बंधु जी थे, दीन बंधु मित्रा जी थे, उन्होंने लिखी थी, बंधु मित्रा। तो नील दर्पण इन्होंने लिखी थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जे एल नेहरू जी। तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। और 1946 में ये जो इंटेरियम गवर्नमेंट थी उसके मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी थे, इंटेरियम। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, इंटेरियम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये एक एक और प्रश्न आता है यहाँ कि ये फॉरिजन मिनिस्टर भी रहे थे, फॉरिजन मिनिस्टर भी रहे थे। और इनसे जैसे रिलेटेड आता है, इनके टाइम पे जैसे जो कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ था तब तब ये फॉरिजन मिनिस्टर भी रहे थे। तो इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, इंटरियम गवर्नमेंट के ये वाइस प्रेसिडेंट रहे। और टोटल नंबर ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया, तो जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट हैं वो है 25। और आर्टिकल 32 जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। और जो आर्टिकल 226 है वो है हाई कोर्ट से रिलेटेड, ये भी फंडामेंटल मतलब रिट जारी कर सकता है, रिट जारी करने से रिलेटेड है 226 और आर्टिकल 332। तो आप ये भी याद रखें, टोटल नंबर ऑफ जज कितने हैं? 25। तो अगला जो हमारा प्रश्न है बुक से ही रिलेटेड है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी बुकें कराई थी, आप मतलब बुक से जो रिलेटेड प्रश्न था उससे बुक कराई थी मैंने। तो केशव चंद्र जी सेन जी की जो बुक है वो है इंडियन मिरर, वाम बोधनी। और एनी बेसेंट जी हैं, इनकी जो बुक है कॉमनवेल्थ है, न्यू इंडिया है, एंशिएंट विजडम है, माई पाथ ऑफ एथिज्म। तो एक न्यू इंडिया पूछा जाता है इनका और कॉमनवेल्थ, तो ये जो बुक हैं दो इम्पोर्टेंट हैं। और ऊपर हमने बताया था जैसे भगत सिंह जी की बुक थी, भगत सिंह, तो इन्होंने वाई आई एम अथीस्ट, तो ये बुक थी इनकी। तो इनसे भी रिलेटेड इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाई आई एम अथीस्ट बुक के लेखक कौन हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, मनु भाकर और सरबजोत सिंह को मतलब कौन सा पदक मिला? तो एक पेरिस ओलंपिक से प्रश्न था, पेरिस ओलंपिक से। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मात्र 15 मिनट का है, अगर आप वो देखना चाहें तो। मैंने उसमें सारे पेरिस के जो क्वेश्चंस हैं वो किए थे, उसमें कम से कम 30 प्रश्न हैं और 15 मिनट में ही है, 15 मिनट का ही है, आप वो जाके देख सकते हैं। और
मिक्स टीम इवेंट में भी जीता था और इन्होंने, मनु भाकर जी ने सिंगल भी जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल। और सरबजोत सिंह जी थे, इन्होंने भी जीता था। और देखिए एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि वंश से रिलेटेड, कि कौन से राजा किस वंश से रिलेटेड थे। जैसे मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश के जो थे अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, अशोक, चंद्रगुप्त, और एक कानव वंश था तो उससे वासुदेव थे, वासुदेव थे, और परमार था, परमार था, नंद था, और सोलंकी था। तो आप इनसे रिलेटेड जो भी मतलब शासक रहे हैं, और सातवाहन था, सातवाहन था, और हमारा पल्लव था, और गुर्जर प्रतिहार था, गुर्जर प्रतिहार था। तो ये जितने भी वंश हैं, आप इनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से मतलब राजा का नाम दे दिया जाता है, तो और पूछा जाता है कि ये किस वंश से रिलेटेड है। तो आप एक बार इस तरह के प्रश्न देख जाएं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, और बताएं कमेंट में कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।